तो गाइज ये जो बाइक देख रहे हैं आप, मतलब ये E20 बाइक है, ग्लैमर एक्सटेक मॉडल भी है 7 जिसको आप बोलते हैं। इसका एक शोरूम प्राइस का अगर बात करें तो 86,000 आपको पड़ेगा एक शोरूम प्राइस। और अगर इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी का बात करते हैं तो 10 लीटर का इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और माइलेज का बात करें तो 50 का माइलेज, मतलब 125 सीसी के सेगमेंट में अगर माइलेज का बात करें, इसके कंपेयर में हमको नहीं लगता कि इतना कंफर्ट बाइक आपको और कोई दूसरा आपको। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो देख सकते हैं आज हम आपके लिए लेकर आए ग्लैमर का एक्सटेक मॉडल BS7 E20। तो इसमें क्या क्या चेंजेस किया गया है, न्यू अपडेट इसमें जो भी सारा कुछ आया, देखिए एक चीज़ हम आपको जानकारी देंगे। तो उसके पहले अगर कोई चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी अगर बाइक से रिकॉर्डिंग आपको जानकारी चाहिए तो डायरेक्ट DM कर सकते हैं, नहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं, हम सारा कुछ एक एक करके आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट लुक से हम ये सामने से आप देख सकते हैं कि अगर बात करते हैं तो यहाँ पे HMR हीरो का लोगो मिल जाएगा आपको। और अगर हेडलाइट का बात करें तो देख सकते हैं ये LED हेडलाइट आएगा आपको लो बीम हाई बीम के साथ प्लस DRL के साथ। ये जो आप लाइटिंग देख रहे हैं ये DRL होता है आपका। उसके बाद ये फ्रंट से देख सकते हैं मडगार्ड हो जाएगा आपका। बाकी दोनों अगर सस्पेंशन का बात करें तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का मिलेगा आपको इसमें। और लेफ्ट साइड से अगर ये देख सकते हैं टायर, और टायर का साइज का बात करें तो एक एक चीज़ हम सामने से इसका जानकारी देते जाते हैं। तो 1800 और 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ इसका टायर आ जाएगा, प्लस ये रिफ्लेक्टर आ जाएगा आपको। और ये डबल केबल के साथ ब्रेक, मतलब इसमें एक चीज़ होता है ना कि अगर आप रियर ब्रेक को टैप करते हैं तो दोनों ब्रेक आपका काम करेगा, फ्रंट और रियर दोनों। तो ये फीचर्स एक मतलब बहुत बेहतरीन है। बाकी यहाँ पे एक आपका क्रैश केज लग जाएगा जिसको गार्ड बोलते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड से अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको ग्लैमर एक्सटेक, और ये कुछ मतलब स्काई ब्लू, मतलब बोला जाए तो उस ब्लू कलर टाइप में आपको एक स्टिकरिंग मिलेगा दोनों साइड से देख सकते हैं। बाकी अगर ये मीटर से बात करें क्लस्टर का तो देख सकते हैं इसमें ब्लूटूथ और आपका ये नेविगेशन प्लस साइड स्टैंड का लाइटिंग वगैरह सारा कुछ इसमें अपडेट किया गया है। और ये ब्लूटूथ कनेक्ट आपको किया तो बहुत कमाल का फीचर से एक लगता है इसमें आपका। और इधर से देख सकते हैं आपको एक यहाँ पे चार्जिंग USB केबल मिल जाएगा फोन को चार्ज करने के लिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखेगा, इसको लॉक कर देते हैं। उसके बाद देख सकते हैं ये आपका लो बीम हाई बीम, ये इंडिकेटर लेफ्ट राइट, और ये हॉर्न का स्विच। बाकी इधर से आप देख सकते हैं ये पासिंग का लाइट। उसके बाद राइट साइड बात करते हैं तो i3 स्मार्ट का जो फीचर्स आता है उसका स्विच यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी ये सेल्फ स्टार्ट, इधर से देख सकते हैं यहाँ पे हीरो का स्टिकर मिलेगा, और ये नीचे लेडीज़ का मतलब फुटरेस्ट रखने के लिए। बाकी ये फोल्डेबल मिलेगा पिलियन को बैठने के लिए, और ये जो है वो ऑटो एडजस्टेबल रहेगा ये मतलब राइडर के लिए। और बैक लुक से बात करें तो बैक लुक आपको कुछ इसमें इस तरह का मिलेगा, जिसमें चेंजेज क्या किया गया वो बताते हैं। बस थोड़ा सा बैकलाइट में चेंजिंग किया गया है जो देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है ये। बाकी इंडिकेटर वगैरह देख सकते हैं कि लगभग सेम ही है। और एक ही चीज़ और मिलता है इसमें, ये आपका अलग से मटगार्ड, मतलब ये आपका अगर भी बरसात का टाइम है ना जिसमें आपको कमाल का ये लग रहा है ना कि कीचड़ विचड़ ऊपर तक नहीं आएगा। एक और देख सकते हैं ये जो इसका जो सीट के पीछे जो एक आता था, ये पहले में क्या था, ये पूरा का पूरा ज्वाइंट होता था, ये कटा हुआ नहीं होता था। बस इसमें अपडेट करके दोनों को अलग किया गया है सिंगल सिंगल, जिससे ये लुक क्या है ना कि थोड़ा बेहतर लगता है पहले से देखने में अब में। बाकी लेफ्ट साइड से बात करें तो देख सकते हैं इसमें आपका थोड़ा बस ये एग्जॉस्ट का जो ये साइज है इसमें थोड़ा छोटा लग रहा है। बाकी यहाँ भी आपका हीरो का स्टिकरिंग किया हुआ मिलेगा, और एक यहाँ पे भी मिलेगा देख सकते हैं। और इधर से अगर बात करें तो एक मिल जाएगा आपको FI, जो मतलब हो जाता है ना कि ये आपका फ्यूल इंजेक्टर, मतलब फ्यूल डिलीवरी सिस्टम जो है ना वो FI है। सबसे प्लस पॉइंट कि आपको 125 cc में FI सिस्टम वाला बाइक, मतलब सबसे कमाल का लगता है ये ना कि इसका माइलेज सही होता है। और ये देखिए आपका मतलब प्रूफ के साथ कि ये ग्लैमर का E20 मॉडल ही है। बाकी यहाँ पे स्कैनर वगैरह है जिसको आप स्कैन करके देख सकते हैं। बाकी बच गया टायर, तो टायर देख सकते हैं हमारे आपका मिलेगा आपको दोनों का दोनों साइज सेम हमारे आपका। बाकी साइज का बात करें तो 118 और 18 इंच, मतलब दोनों अलॉय व्हील सेम आपका 18 इंच का आएगा। और ये टायर का बात करें तो 118 इंच का टायर आपको मिलता है इसमें, और मतलब ये दोनों का दोनों टायर आपको ट्यूबलेस ही मिलेगा, ना कि ट्यूब है। उसके बाद बात करते हैं अब हम गियर सिस्टम पे, एक आगे बाकी चार पीछे। बाकी अब बाइक का वेरिएंट का बात करें जिसमें मिलता है आपका दो वेरिएंट, पहला डिस्क ब्रेक, दूसरा विदाउट डिस्क ब्रेक। तो ये विदाउट डिस्क ब्रेक एडिशन है, तो इसका भी एक शोरूम क्या पड़ेगा आपको भी बता देंगे, और उसका भी क्या पड़ेगा एक शोरूम वो भी बता देंगे। ऑन रोड तो आप अपने लोकल शोरूम में जाके विजिट करके आप पता कर सकते हैं, क्योंकि हम जो ऑन रोड प्राइस बताएंगे उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है अलग अलग स्टेट होने के बाद, तो वो सब सारा कुछ आपको देख लेना। बाकी एडिशन दो है, आप अपने हिसाब देख सकते हैं कि आपको कौन सा एडिशन लेना है। बाकी बात करते हैं इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी का, तो 10 लीटर का इसका टैंक आ जाएगा, मतलब 10 लीटर का फ्यूल टैंक आपका आ जाएगा। बाकी माइलेज का बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 50 का माइलेज, लेकिन आई थिंक आपको माइलेज कितना भी कम मिलेगा ना तो 45-50 का ही माइलेज मिलेगा, क्योंकि FI इंजन है। उसके बाद बाइक का अगर फुल वेट का बात करें, बाइक का फुल वेट तो 122 kg इसका
फुल वेट है। बाकी आ जाता है इसका प्राइस का बात, तो एक शोरूम प्राइस का अगर बात करें तो इस मॉडल का विदाउट डिस्क ब्रेक का आपको 86,000 के अप्रोक्स आपको कुछ पड़ेगा। और अगर मतलब आप डिस्क ब्रेक एडिशन देखते हैं तो उसमें आपको 90,000 के अप्रोक्स आप समझ लीजिए ना, 89,000 समथिंग है, तो अप्रोक्स आप पकड़ लीजिए ना कि 90,000 के आसपास आपको फुल पड़ेगा, मतलब एक शोरूम। बाकी ऑन रोड आप अपने हिसाब से लोकल शोरूम में जाकर विजिट कर सकते हैं। तो गाइज ये ग्लैमर एक्सटेक मॉडल का रिव्यू कैसा लगा, मतलब BS7 ग्लैमर एक्सटेक मॉडल ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब BS7 E20 जिसको आप बोलते हैं उस मॉडल का रिव्यू आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।